जो बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हाइट की वजह से बाहर हो रहे हैं, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो बच्चे, या एसएससी जीडी में जो बच्चे हाइट में बाहर हुए हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है, स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। तो ये भर्ती निकल चुकी है ऑलरेडी, सिर्फ इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं कोई टेक्निकल कारण की वजह से। तो बहुत जल्दी इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा अवसर है उन बच्चों के लिए जो डिफेंस में जाने का सपना देखते हैं लेकिन जिनकी हाइट कम है। इसमें हाइट में काफी छूट दी गई है। तो जो बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हाइट की वजह से बाहर हो रहे हैं, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो बच्चे, या एसएससी जीडी में जो बच्चे हाइट में बाहर हुए हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है, स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। एससी और एसटी को 5 सेंटीमीटर की उसमें छूट भी दी गई है। तो जो भाई बहन एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हाइट में छूट के कारण राजस्थान पुलिस से बाहर हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है ये, जिसमें 2000 कांस्टेबल और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 250 सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी है ये। तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न एग्जाम में क्या होगा, फिजिकल क्या होगा और कैसे इसकी फाइनल मेरिट बनती है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मेरे नियमित स्टूडेंट है वो भी इसको पूरा देखिए, जिससे हो सकता है कि आपका भी डिफेंस में जाने का सपना पूरा हो सके। तो सबसे पहले तो कौन आवेदन कर सकता है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना जरूरी है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइट पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और बेटियों के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, एससी और एसटी कैटेगरी की बेटियों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट इसमें 80 से 85 सेंटीमीटर होता है, बेटियों के लिए लागू नहीं होता है। और एज इसमें 18 से 25 साल तक है, एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में और ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें एक रिटर्न एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। दोनों ही पेपर के अंदर, चाहे सब इंस्पेक्टर का है चाहे कांस्टेबल का है, दोनों का ही जो पेपर है वो ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 120 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीके के होंगे, जिसमें भारत का पूरा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स होगा। 35 प्रश्न रीजनिंग के होंगे और 35 प्रश्न मैथ्स के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। दोनों पेपर के अंदर, चाहे सब इंस्पेक्टर है चाहे कांस्टेबल है, दोनों का जो लेवल अलग अलग होगा, बाकी सिलेबस दोनों का एक जैसा ही है। वही जो कांस्टेबल का पेपर होगा उसमें 10th लेवल के क्वेश्चंस होंगे और जो सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जैसे ही रिटर्न एग्जाम पास होगा उसके बाद 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिजिकल आपको पास करना है, कोई उसमें मार्क्स नहीं होते हैं। 3-3 इवेंट होते हैं उसके अंदर और उसके बाद नॉर्मल सा मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनली आपका सपना भी डिफेंस में जाने का पूरा हो सकता है। उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होता है, तो फिजिकल के अंदर हाइट, चेस्ट, वेट जो देखे जाते हैं जिस तरह से बताया मैंने, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिर इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें 3-3 इवेंट होंगे। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, पहले सब इंस्पेक्टर के लिए 6.5 मिनट का टाइम होगा। अगर आप कॉन्स्टेबल के लिए कर रहे हैं उसके अंदर 5 मिनट और 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में लॉन्ग जंप होगा, जो सब इंस्पेक्टर है उनके लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट और 9 इंच यानी 4.25 फीट का हाई जंप होगा। कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप होगा वो 14 फीट होगा और हाई जंप है वो 4 फीट होगा। जो बेटियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी उसमें सब इंस्पेक्टर के अंदर 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जो कांस्टेबल है उसके अंदर 3 मिनट और 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है वो बेटियों के लिए सब इंस्पेक्टर में 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट होगा और कांस्टेबल में भी 9 फीट और 3 फीट हाई जंप होगा। इसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, पिछले दिनों हमने देखा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर बच्चों ने बहुत अच्छा रिटर्न एग्जाम पास किया। सिर्फ 15 दिन के बाद फिजिकल करवा लिया गया और उसमें पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो रिटर्न एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल भी तैयारी करना चाहिए। जिस तरह से आरपीएफ का स्टैंडर्ड दिया हुआ है फिजिकल का,
और वो थोड़ा सा हम टफ कह सकते हैं, दिल्ली पुलिस से भी थोड़ा सा ज्यादा टफ है ये। तो आपको फिजिकल तैयारी भी साथ साथ करनी है, दोनों प्लानिंग एक साथ करके चलिए, रिटर्न एग्जाम भी और फिजिकल भी, जिससे कि आपको बाद में निराश नहीं होना पड़े। नहीं तो जो रिटर्न एग्जाम पास करते हैं बच्चे, और बच्चे मैक्सिमम फिजिकल में फेल हो जाते हैं, एवरेज देखा जाए तो दिल्ली पुलिस में 10% से भी कम बच्चों ने फिजिकल पास किया है। तो ये स्थिति आरपीएफ में भी हो सकती है, क्योंकि समय की कोई लिमिट नहीं है, वैकेंसी शुरू होने के बाद एग्जाम होने में, फिजिकल होने में कोई टाइम नहीं लगता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पूरा बैच है, पूरी जो भर्ती है, वो 5 महीने के अंदर कंप्लीट हो रही है, जिसमें वैकेंसी भी आ गई, रिटर्न भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और मेडिकल भी हो गया, ज्वाइनिंग भी आने वाली है। तो इसी तरह से हो सकता है कि आरपीएफ में भी ऐसा कुछ करवाया जाए। तो अगर आपका भी सपना आरपीएफ में कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनने का, तो अपनी तैयारी उसी तरह से करिए। रिम डिफेंस एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बैचेज चलते हैं, दोनों तरह से तैयारी होती है। तो आप कोई सी भी तरह से आप यहाँ तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी होती है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। और इससे संबंधित अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर एकेडमी का जो नंबर दिख रहा है इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर कॉल भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।